हिंदी सिनेमा को अपने सुनहरे संगीत से सजाकर उन्हें अमर बना देने वाले प्रख्यात संगीतकार खय्याम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपने शानदार गानों से लाखों दिलों को छू जाने वाले मशहूर संगीतकार ने मुंबई के एक अस्पताल में सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। 92 साल के खय्याम को सीने में संक्रमण और निमोनिया की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें पिछले महीने की 28 जुलाई को मुंबई के सुजय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मशहूर संगीतकार खय्याम ने उस वक्त फिल्मी दुनिया में कदम रखा था जब माया नगरी में दिग्गज संगीतकारों का दबदबा था, लेकिन उस दौर में भी खय्याम ने अपनी राह खुद बनाई और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत भी की। मौसीकी के जादूगर खय्याम का जन्म 18 फरवरी 1927 को हुआ था और उनका पूरा नाम मोहम्मद जहूर हाशमी था। होश संभालते ही उनके दिलो दिमाग पर संगीत का सरूर छा गया था। फिर भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली, लेकिन अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उन्होंने सेना को अलविदा कह दिया और एक्टर बनने के लिए मुंबई की राह पकड़ ली। साल 1948 में बनी एसडी नारंग की फिल्म ये है जिंदगी में उन्हें हीरो बनने का मौका मिल गया, लेकिन उनका हीरो बनने का शौक भी बहुत जल्द ही खत्म हो गया। अब वो संगीत की दुनिया में हाथ आजमाने लगे। हीर रांझा उनकी धुनों से सजी पहली फिल्म थी, लेकिन उनको पहचान मोहम्मद रफी के गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे से मिली। उसके बाद फिल्म शोला और सबनम ने उनको फिल्मी दुनिया का सितारा बना दिया और फिर ये सितारा चमकता ही चला गया। खय्याम ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से उमराव जान उनकी सबसे सफल फिल्म बनी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 40 साल काम किया और 35 फिल्मों में संगीत दिया। इस दौरान उन्होंने कई बेहतरीन गानों से लोगों के दिलों को छुआ। कभी कभी मेरे दिल में गाना आज भी लाखों लोगों के लफ्जों में शुमार है, तो वहीं इन आंखों की मस्ती के गाने को आज भी काफी लोग पसंद करते हैं। वैसे खय्याम की खुद की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो अपनी पत्नी जगजीत कौर से पहली बार दादर रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पर मिले थे। चंडीगढ़ के रसूखदार परिवार में जन्मी जगजीत प्लेबैक सिंगर बनने का सपना लिए माया नगरी मुंबई आई थी। एक शाम जब वो दादर रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज से गुजर रही थी, तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जगजीत सतर्क हो गई और अलार्म बजाने वाली थी कि वह शख्स उनके करीब पहुंच गया और उसने अपना परिचय म्यूजिक कंपोजर खय्याम के रूप में दिया। 1954 में हुई इसी मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हुई, जो लगातार गहरी होती चली गई और जल्द ही ये दोनों सात फेरों के बंधन में भी बंध गए। आपको बता दें कि मशहूर संगीतकार खय्याम को 3 बार फिल्म फेयर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले 1977 में उनको कभी कभी के लिए फिल्म फेयर सम्मान से नवाजा गया था, फिर 1982 में उमराव जान के लिए यह अवार्ड मिला और 2010 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं 2011 में उन्हें पद्म भूषण जैसे रत्न से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लता मंगेशकर, फिल्मकार मुजफ्फर अली समेत कई लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया और इसे एक संगीतमय युग का अंत करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रसिद्ध संगीतकार खय्याम साहब के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने अपनी यादगार धुनों से अनगिनत गीतों को अमर बना दिया। उनके अप्रतिम योगदान के लिए फिल्म और कला जगत हमेशा उनका ऋणी रहेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ है। वहीं लता मंगेशकर ने भी खय्याम के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, महान संगीतकार और कोमल हृदय वाले खय्याम साहब अब हमारे बीच नहीं है। यह खबर सुनकर मैं बेहद दुखी हूँ। मैं इन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। खय्याम साहब के जाने के साथ संगीत के एक युग का अंत हो गया। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। खय्याम साहब के जाने के साथ ही भारतीय सिनेमा ने अपना एक अनमोल सितारा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया।
संगीत में उम्दा सुरों की महफिल सजाकर संगीत के कद्रदानों का दिल जीतने वाले खय्याम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। खय्याम के दिल छू लेने वाली बात ये थी कि 3 साल पहले 2016 में ही उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन पर 10 करोड़ रुपए की संपत्ति दान की थी। उनके निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।